हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों की माउंटेन्स वाली क्लास होगी, जिसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये भी क्लास भी। जैसे अभी पिछले दो दिन से हम नदियां पढ़ रहे थे, बट थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग एशिया जो है वो नहीं हुई थी। तो मैंने कल ये भी कहा था आपको कि एशिया को रिवर्स और माउंटेंस कम्बाइनली हम लोग शुरू करेंगे। तो आज से हम एशिया के साथ कम्प्लीट करेंगे पूरे माउंटेंस को, एशिया वाले भी जो रहेंगे। ठीक है, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जी सर जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, स्वस्थ हूँ। और जो है, और सभी लर्नर्स को ये तो पता ही होगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है। अनअकैडमी ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी बैटल आप लोगों के लिए करा रहा है। जी हाँ, जिसमें बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग यहाँ पर मिलने वाली है। और ये 6 दिसंबर को होगा सुबह 11 बजे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, और टेस्ट वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मतलब ये टेस्ट वाला ये जो ऐसा हिस्सा दिखाई देगा, और फिर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करते समय वो एक इन्वाइट कोड मांगेगा, आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, SUTYT10। इससे आपको बाकी सब जितने भी फ्री कोर्सेज हैं, टेस्ट हैं, सब एक्सेस कर पाएंगे इस कोर्स से। तो यू कैन स्प्रेड दिस वर्ड। और नो डाउट प्राइसेस बहुत बड़े हैं, जी हाँ, विनर के लिए। और प्राइस से भी ज़्यादा लर्निंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो कि आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, सो माउंटेन से शुरुआत करेंगे हम लोग कहानी को, और जो है एशिया से स्टोरी शुरू होगी हमारी आज। तो आज आप लोगों को मैप जो ओपन करना है वो एशिया का ओपन करना है सर। एशिया को ओपन करना है मतलब ये आपके सामने मैप है, तो मैं आज इस हिस्से को बताऊंगा, ये वाले। जी हाँ, ठीक है। तो एशिया के हम माउंटेन्स और रिवर्स दोनों साथ में करेंगे, बिल्कुल। सो आज स्पेशल क्लास होगी हम लोग की शाम को 7 बजे, है ना। कल नहीं हो पाई थी, आज है। आज कुछ वेदर क्लाइमेटोलॉजी का कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। तो एशिया से कहानी को शुरू करेंगे, आप लोग जल्दी से एटलस ओपन कर लीजिएगा। और एशिया में हम लोग शुरू करेंगे माउंटेन्स को पढ़ना कुछ कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। एशिया को सबसे बेस्ट तरीका है समझने का, आप प्यारे भारत को देखिए। प्यारे भारत को जब भी देखेंगे ना, तो चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जैसे आप मान लो इधर ईस्ट साइड आओगे तो ये जापान कोरिया इधर मिल जाता है, चाइना मंगोलिया, नीचे आपके थाईलैंड वियतनाम, है ना, इंडोनेशिया वगैरह के रीजन इधर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में इधर आप जैसे आएंगे तो ये यहाँ पर जो है इस साइड जैसे हम लोग आएंगे तो ये इधर आपको पूरा जो सऊदी अरब, ओमान, ईरान और इराक वगैरह है वो सब इधर ही मिलते हैं। तो एक थोड़ा सा बेसिक है, बाकी मैं माउंटेन्स पढ़ाते समय तो आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा कि कौन कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप लोग एशिया में यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप, जी हाँ, चाइना वाला रीजन ओपन करना। चाइना वाला रीजन मतलब ये इधर वाला, ये जो क्षेत्र है चाइना का, ये वाला ज़रा ओपन करिएगा, ठीक है। चाइना के क्षेत्र में जो है, जैसे ही पहुँचेंगे आप तो चाइना वाले रीजन में कुछ माउंटेन्स मिलेंगे सर, याद रखना है। देयर इज़ अ माउंटेन कॉल्ड कुनलुन शान, ठीक है। इसके बाद में एक माउंटेन आपको थोड़ा और ऊपर नॉर्थ की तरफ मिलेगा, तियन शान, और उसके बाद में भीड़ में मिलेगा अल्तुन शान। एक चीज़ है, मतलब आप थोड़ा सा देखेंगे तो फिजिकल मैप में चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक तियन शान, अल्तुन शान और कुनलुन शान, चाइना वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई नए छात्र हो तो ध्यान दीजिएगा ज़रा भैया सब लोग, मैं मैप में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये एशिया में इस क्षेत्र में, ये जूम कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये जूम इस क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ। चाइना यहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप पहुँचे हो तो वहाँ पर आपको तीन पर्वत दिखेंगे,
तियन शान, कुल्लुन शान और अलतुन शान। एक तियन शान होगा, एक अलतुन शान होगा और एक कुल्लुन शान होगा, ठीक है। ज्यादा अननेसेसरी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्यों? क्योंकि याद ये रखना है कि शान नाम के पर्वत कोई पूछ ले आपसे, शान नाम के जो माउंटेन यदि कोई आपसे पूछ लेता है, तो वो याद रखना है अपने को कि शान नाम का जो माउंटेन है वो अपने को मिलेगा एग्जैक्टली कहाँ पर? जी हाँ, तो शान नाम के जो पर्वत मिलेंगे वो अपने को मिल जाएंगे चाइना में। तियन शान, कुल्लुन शान, अल्तुन शान, ऐसे बहुत सारे माउंटेन आपको शान वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ तक थोड़ा सा आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, तियन शान, अल्तुन शान और कुल्लुन शान। आगे बढ़ते हैं अब ज़रा हम लोग नेक्स्ट। यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आई गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। अब ज़रा जो है इस चाइना को छोड़ के ज़रा इसके दक्षिण में आओ, साउथ में। ये तो इधर आओगे साउथ में तो इंडिया आ जाएगा, और साउथ में आओगे तो म्यांमार में आना पड़ेगा आपको। तो आप लोग म्यांमार में आ जाइए। जी हाँ, तो म्यांमार में जैसे ही आप लोग आएंगे तो म्यांमार में ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, म्यांमार में जैसे ही आएंगे तो मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा। म्यांमार में देर इज अ माउंटेन कॉल्ड अराकन योमा एंड पेगू योमा, ठीक है। ये लो, ये म्यांमार में देखना, दो शब्द दिखाई देंगे, अराकन योमा एंड पेगू योमा, चेक करना जरा है क्या। तो अराकन योमा और पेगू योमा में जैसे ही पहुंचोगे आप, तो अराकन योमा और पेगू योमा में जैसे ही आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि अराकन योमा और पेगू योमा ये अपने आप में इम्पोर्टेंट माउंटेन है, और अपने आप में ये जो माउंटेन्स हैं इनफैक्ट ये हिमालय हिमालय के एक्सटेंशंस हैं। तो जिस तरह से आपने शान नाम के पर्वत पढ़े हैं चाइना में, वैसे योमा नाम के पर्वत पढ़ोगे आप म्यांमार में। तो अराकन योमा एंड पेगू योमा आपको चीजें याद रखनी होंगी कि कहाँ होगा। दूसरी एक बात और आप याद रखें थोड़ा सा, कि शान नाम का प्लेट्यूबस ना दिया हो एग्जाम में, क्योंकि आपने शान नाम से जो चीजें पढ़ी वो चाइना में पढ़ी, बट शान नाम से जो चीज पढ़ी वो माउंटेन पढ़ा है आपने, ठीक है, प्लेट्यू नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना। तो प्लेट्यू कल को वो बोले तो शान नाम का जो प्लेट्यू रहेगा वो आपका रहेगा तो कहाँ रहेगा, याद रखना, भूलना मत। शान नाम का जो प्लेट्यू रहेगा दैट इज इन एग्जैक्टली म्यांमार। तो म्यांमार में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको, योमा नाम से पर्वत याद रखने हैं और शान नाम के प्लेट्यू याद रखने, ठीक। चलिए, अब म्यांमार पढ़ ही रहे हो तो वहां की रिवर भी देख लो। म्यांमार के पास देखना रिवर दिखाई देगी, दो नाम, दो रिवर्स होंगे, एक इरावडी होगी और एक सालविन नाम की नदी होगी, एक इरावडी होगी और एक सालविन नाम की नदी होगी, जरा चेक कर लेना भैया। एक इरावडी रिवर होगी और एक सालविन रिवर होगी, देखो जरा मार्क करो। इरावडी तो जो है वहां की लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन है मतलब ये कि वहां पर आप मान के चलिए कि इरावडी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा काम की हो गई है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि अपने आप में बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपसे कल को कोई पूछे कि नो डाउट इरावडी, या नॉर्मली कोई पूछे कि म्यांमार की लाइफ लाइन क्या है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा इरावडी होगा, ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरा, इसके साथ साथ जो है एक सालवीन नाम से कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका क्वेश्चन जो होगा वो होगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार, तो आपका आंसर सालवीन के साथ इरावडी, दोनों याद रखना। तो इरावडी इज फॉर लाइफ लाइन, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, ठीक है, और सालवीन मतलब याद रखना दैट इज रिलेटेड विथ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो सालवीन लॉन्गेस्ट हो गई, इरावडी लाइफ लाइन हो गई, ये दोनों नदियां अपनी यहां पर याद रखना। अब और आप पढ़ सकते हो वैसे तो, मैं और डिटेल बताता हूँ, 2 मिनट रुकना। म्यांमार सबको दिख रहा होगा कि म्यांमार कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। म्यांमार के बाद आप जो है ये यहाँ पर आइए, म्यांमार के बाद ये म्यांमार यहाँ पढ़ रहे थे आप, ये थाईलैंड देखो, थाईलैंड, थाईलैंड में आकर चेक करना आप, आपको यहाँ पर एक रिवर दिखाई देगी, थाईलैंड के पास आकर चेक करो, एक रिवर दिखाई देगी जिसका नाम होगा साओ फ्राया करके, एग्जैक्टली साओ फ्राया करके होगा, थाईलैंड में ध्यान दीजिएगा। थाईलैंड में एक रिवर फिर से आपको दिखाई देगी, नाम उसका साओ फ्राया होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मैच द कॉलम के लिए, तो याद रखना, भूलना मत, साओ फ्राया इज रिलेटेड विद थाईलैंड, या गल्फ ऑफ थाईलैंड की तरफ आती है ये। इरावडी, सालविन याद रखना म्यांमार की नदियां हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है और एक लाइफ लाइन है, दोनों चीजें क्लियर, कोई समस्या?
पर्वत अराकनियोमा पेगुयो में याद रहेगा, इधर में कोई दिक्कत नहीं है। शान नाम का प्लेट्यू म्यांमार में रहेगा, बट शान नाम के माउंटेन्स जो रखाओगे वो कहाँ रखेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा, नाउ वापस चाइना में एक बार और चले जाओ। कारण बता रहा हूँ क्यों जाना है, क्योंकि चाइना में कुछ नदियाँ पड़ेंगे सर, बड़ी काम की नदियाँ हैं सर जी। चाइना में एक इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो अपने को फोकस करनी पड़ेंगी, ये चाइना है जैसे जी। तो चाइना में जैसे ही आप जाओगे तो एक रिवर मिलेगी, हुआंग हो रिवर करके, एक हुआंग हो रिवर जो इधर येलो सागर की तरफ, येलो सी की तरफ जा रही होगी, हुआंग हो। और एक रिवर आपको जो है यांगसे करके मिलेगी, यांगसे रिवर। मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक हुआंग ही हुआंग हो करके लिखा होगा चाइना में। इधर ईस्टर्न साइड पे आओ, चेक करो, मिल जाएंगे जी। तो हुआंग हो रिवर येलो सागर में जाती है। एक्चुअल में देखो, मेरी इधर स्क्रीन पर देखना, एक डेजर्ट है यहाँ पर, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट में जैसे ही आप जाओगे तो गोबी डेजर्ट की जो सैंड है वो थोड़ी बहुत उड़ के इधर आ जाती है इसके वाटर में, तो इस रिवर का वाटर थोड़ा सा येलो हो जाता है, और ये सैंड इधर तक चली जाती है, इधर सी तक, वाटर बॉडी तक। तो वहाँ का पानी भी थोड़ा येलोइश हो जाता है, इसलिए सागर का नाम भी येलो सागर हो गया, पीला पीला सागर जिसको हम कहते हैं। तो ये हुआंग हे रिवर इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर, ठीक है। ये इसमें बाढ़ भी बहुत आ जाती है, तो चाइना का सौरव भी हो जाता है। तो हुआंग हे जो है वो अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हो कि सौरव ऑफ चाइना भी है, चाइना का शोक जिसको कहते हैं, क्योंकि फ्लड बहुत आ जाता है इसमें। तो हुआंग हो को आप येलो रिवर और सौरव ऑफ चाइना के नाम से भी इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आगे जाके येलो सी में चली जाएगी। यांगसे बहुत लंबी नदी है सर, बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब ये पूरे प्लेट्यू से आ रही होती है। देखो पूरा राउंड लगा के जो है एकदम इस तरह से नीचे और फिर इधर से ऐसी आई है। यांगसे एक रिवर होगी, देखो यांगसे करके, यांगसे एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसे जो है वो मान के चलिए आप एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसे नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। एग्जैक्टली अभी हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ चुके हैं देखो बता देता हूँ। एक रिवर हमने यहाँ पढ़ी, दूसरी ये पढ़ी, चाइना की ये दो नदी पढ़ी हमने। क्या आपको ये मैप में सबसे पहले ऊपर हुआंग हो वाली दिखेगी आपको, और नीचे यांगसे दिख जाएगी, ये दोनों नदियाँ, येलो ऊपर वाली येलो हो रही है। एग्जैक्टली गोबी डेजर्ट के कारण। इधर थाईलैंड में साओ फ्राया बताया मैंने आपको, थाईलैंड में जो रिवर बताई वो कौन सी बताई? साओ फ्राया। तो कल को कोई पूछ ले कि रिवर कौन सी है थाईलैंड में, तो याद रहेगी कि सर दैट इज साओ फ्राया। म्यांमार में आपको मैंने दो बताई, एक इरावडी बताई और एक सालवीन बताई। म्यांमार में याद रखेंगे इरावडी और सालवीन। टोटल अपने को जो है यहाँ पर पांच नदियाँ याद रखनी है, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। तो एक एक हुआंगो होगी और एक यांगसे है, एक साओ फ्राया है। म्यांमार में दो जो बताई हैं वो कौन सी रहेंगी, वो भी याद रखनी है आपको, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा जी। हाँ नाउ एक क्वेश्चन है, आप आंसर आप खुद ही दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा है, इधर देखो ध्यान से, एक रिवर है जो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इन सभी देशों से गुजर के आ रही है। ये इस भीड़ में से एक पूरी रिवर जो है क्रॉस करके आ रही है, बताओ सोचो कौन सी होगी। इस बार यूपीएससी में भी आई थी वो रिवर, हाँ जी, उसका माउथ पूछ लिया था इन लोगों ने कहाँ जा रही है करके। एग्जैक्टली तो ये देखो, ये इधर म्यांमार से होते हुए, लाओस थाईलैंड से होते हुए, इधर कंबोडिया और वियतनाम से आके ये रिवर यहाँ पर आती है। नाम इसका है सर मेकोंग, मेकोंग रिवर, चेक करो। एग्जैक्टली तो मेकोंग वो तिब्बत से शुरू होके, तिब्बत वाले रीजन से शुरू होके, हाँ जी, तिब्बत वाले रीजन से होते हुए घूम फिर के आ रही होती है। तो तिब्बत, म्यांमार, लाओस और इधर आपका जो है थाईलैंड और फिर कंबोडिया और फिर वियतनाम। तो मेकोंग रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मेकोंग का आता है, साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर। दूसरी बात, आप गलती से भी लॉन्गेस्ट रिवर मत भूलना, जो थी वो लॉन्गेस्ट यांगसे रिवर है। इधर ईस्ट चाइना सी में आ रही थी यांगसे, ऊपर वाली येलो सी में आ रही थी वांग हो करके। इधर ये मेकोंग को याद रखना, भूलना मत, ठीक है। सो इतना तो अपन ने पढ़ ही लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के माउंटेन भी क्लियर हो गए होंगे आपको, है ना। अब मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी देख लो ज़रा। मैं एक्चुअल में, इधर ध्यान दीजिएगा ज़रा, 1, 2, 3,
फाइव और ये सिक्स, छह नदियां तो यहाँ की पढ़ाई है मैंने। इसको जूम कर देता हूँ। पहली यांग से सबको क्लियर है, मतलब ह्वांग हो, ह्वांग हो ये ऊपर वाली। दूसरी यांग से, दो हो गई चाइना की। तीसरी जो नदी म्यांमार में बताई वो कौन सी बताई मैंने आपको, जो याद रखनी है, दैट इज इरावडी। फिर फोर्थ नंबर सालविन, थाईलैंड में साओ फ्राया, और सिक्स्थ वन जो होगी यहाँ पर पूरे इन देशों से निकल रही है, दैट इज मेकोंग। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? ये नदियाँ थी। चाइना के माउंटेन याद करो, तियन शान, कुनलुन शान, अल्तुन शान। जब भी आपको शान नाम के माउंटेन पूछे, वो शान नेम से माउंटेन पूछे, तो योर आंसर इज इन चाइना। शान नाम का प्लेट्यू पूछे तो आंसर म्यांमार। और अराकन योमा, पेगु योमा नाम से कोई पूछ ले तो माउंटेन होगा म्यांमार। इस भीड़ को अच्छे से समझ लिया होगा आपने, क्लास में स्टार्टिंग से होंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब आपको जो है कहाँ आना है, रशिया में आना है। ठीक है, रशिया की कुछ नदियाँ पढ़ाऊंगा प्लस उसके माउंटेन। तो माउंटेन रिवर हम कंबाइन पढ़ रहे हैं इसमें। तो अब रशिया में आना है इधर आपको, टुवर्ड्स हियर कारासी की तरफ, ऐसे यहाँ देखना। इसको मैं जूम करूंगा अब। ओके, यहाँ के क्षेत्रों को मैं जूम करने वाला हूँ। तो ये देखो, एक ओब रिवर आपको देखने को मिलेगी जो इधर अल्ताई माउंटेन से शुरू होती है। काफ़ी बड़ी रिवर है ये भी, ओब रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर रहेगी अपने आप में, ओब रिवर। उम्मीद कर रहा हूँ कि याद रहेगी, भूलोगे नहीं जी। तो ओब रिवर को अच्छे से याद करना है, भूलना मत, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये ओब रिवर हो गया, ठीक है, ओब। तो ये इसका फ्लो पूछ सकता है, वो साउथ से नॉर्थ जा रही है, ऊपर जा रही है ये, टुवर्ड्स आर्कटिक ओशन, कारा सागर के पास, गल्फ ऑफ ओब में। तो ओब रिवर आपको नॉर्मली याद रखना है कि कहाँ पर है। ठीक है, ओब के बाद यदि ये याद हो जाती है ओब, तो ओब के उधर और जाओ थोड़ा सा, आप मान के चलिए कि आपको उतना ही जो है वेस्ट में जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स लेक बैकाल, ईस्ट में, सॉरी। तो ईस्ट में आप जब जाओगे, तो ईस्ट में जैसे ही आप लोग जाते हो, तो ये देखो, ये ओब रिवर जो पड़ी है आपने अभी, ऐसे इधर आओगे तो देयर इज ऑल्सो अ रिवर कॉल्ड लीना रिवर। बहुत ज़्यादा काम किए सर ये, क्योंकि जो सबसे डीपेस्ट लेक पड़ते हैं ना हम लोग, लेक बैकाल, तो हमें सबको पता होता है कि लेक बैकाल जो है दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है, बट वहाँ से एक रिवर भी शुरू होती है लीना, वो याद रखना होता है हमें। तो वो डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो भूलना मत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सो लेक बैकाल जो होगा लीना रिवर से कनेक्टेड है, जो अपने को लेकर ध्यान रखना है, लापते उसी की तरफ जाता है। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा वो यहाँ से? क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि कल को कोई बोल दे ओब रिवर, तो ओब रिवर का माउथ कहाँ है, तो अपने को मालूम होना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड विद कारासी। फिर वो इधर यदि आपसे लीना के बारे में पूछेगा, तो लीना में आपको मालूम होना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड विद लापते उसी। उसके माउथ आजकल ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे एंड कहाँ हो रही, तो उससे रिलेटेड वाटर बॉडी पता होना चाहिए। तो ओब के साथ जो मैच द कॉलम होगा आपका, वो हो जाएगा किसके साथ? एग्जैक्टली कारासी के साथ। और लैपते उसी का जो कनेक्शन होगा वो हो जाएगा आपके लीना रिवर के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ही एक रिवर और देखना, शायद और आपको मिल जाएगी नीचे, अरुण रिवर, अमूर रिवर करके। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि चाइना और रशिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री कौन सी रिवर बना रही है, तो वहीं लीना के नीचे देखना, नीचे चाइना और रशिया के पास एक अमूर रिवर भी आपको दिख रही होगी, तो आप अमूर रिवर पर भी जो है फोकस कर सकते हैं, अमूर रिवर। ठीक है, सो फाइनली यदि आप इसको मैप में देखोगे, तो ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये एक रिवर, ये ओब यहाँ पड़ी है आप लोगों ने, ये बैकाल से गई, वो लीना गई, और ये एक आप अमूर पड़ रहे हो, पहली, दूसरी, तीसरी। इधर आपको मालूम है कि ये आप वांग हो पढ़ चुके हो, और नीचे जो है यांग से पढ़ोगे। ठीक है, अब इस पूरी बीच में, इस पूरी भीड़ में आपको जो है एक माउंटेन भी पढ़ना था, एंड दैट इज लीना रिवर जिसके पैरेलल चलती है, दैट इज बर्खोयांस्क माउंटेन। लीना नदी के पास एक माउंटेन देखना, कल को वो पूछ ले मैच द कॉलम में, तो बर्खोयांस जो है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भूलना मत। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। आपको जो है प्लेस बताना है, ओब रिवर का प्लेस बताना है, लीना रिवर का प्लेस बताना है, वांग हो का प्लेस बताना है,
शान प्लेट्यू का प्लेस बताना है, और इसके बाद में आपको शान मतलब तियन शान का बताना है, कुनलुन शान का बताना है, अराकन योमा कहाँ पर है ये बताना है, साउ फ्राया ये कहाँ पर है। सब टेस्ट करो एक बार भैया अपने आप को। ओब रशिया, लीना रशिया, वांगहो चाइना, शान प्लेट्यू म्यांमार, शान तियन शान नाम का पर्वत चाइना, कुनलुन शान वही वही जाना पड़ेगा, अराकन योमा म्यांमार, साउ फ्राया थाईलैंड। जी भूलोगे तो नहीं? पक्का? जी ये याद रखना, भूलना मत, ठीक है? तो उधर की रिवर और माउंटेन मैंने आपको इधर के करा दिए हैं, आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, भूलना मत अमूर रिवर। अब आप लोग पहुंच जाइए सबसे पहले तो ईरान में, ईरान नहीं इधर, अपन इधर ही घूमते हैं अभी, अफगानिस्तान की साइड। जी ये अपना प्यारा भारत, इसको मैं ज़रा कलरफुल कर दूं। ठीक, ये इंडिया जब आएगा तो इंडिया के पास आप लोग पहले जाइए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जाइए ज़रा जल्दी से पहुंच जाइए। अफगानिस्तान में जैसे ही जाएंगे तो देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड हिंदू कुश, हिंदू कुश करके आपको दिखाई देगा, चेक करो ज़रा। जी तो हिंदू कुश करके आपको देखना है, हिंदू कुश माउंटेन। डायरेक्ट डायरेक्ट वो मैच द कॉलम या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड मैपिंग के नाम से आपसे पूछेगा कि वेयर इज हिंदू कुश माउंटेन, तो एटलीस्ट आपको बताओ भाई ये कहाँ की बात कर रहा है, ये अफगानिस्तान की बात कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के ऐसे दो माउंटेन पड़ सकते हैं आप, किरथार रेंज, तो हिंदू कुश, किरथार और सुलेमान, तीनों को याद रखना है, और किरथार और सुलेमान पाकिस्तान की रेंज रहेंगे और हिंदू कुश। इतना मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, कारण उसका ये है, जैसे मान लो ये अपना प्यारा भारत हो गया मान लो, तो ये जो है ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो ये अभी आपको मैंने बताया कि दिस इज हिंदू कुश, इधर से मैंने बताया कि एक सुलेमान किरथार है, तो ये पर्वत श्रेणियां जो हैं इधर हिमालय आ जाता है, और इधर आपने तियन शान कुनलुन शान चाइना वाली पढ़ ली है, तो ये सब माउंटेन रेंजेस एक पॉइंट से आकर कनेक्ट हो जाती है, इसको ही कहते हैं हम लोग पामीर्स, पामीर का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। जी हाँ, तो ये वो पॉइंट है पामीर नॉट, जिससे सब माउंटेन रेंजेस फैल जाती हैं एक तरह से हर जगह से, तो या तो आप ऐसा कह सकते हो कि सब माउंटेन्स आकर कहाँ कनेक्ट होते हैं इधर के नॉर्थ के, तो एटलीस्ट पता तो हो कि भाई ये पामीर की बात कर रहा है। चाइना और आपके जो इधर यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, हाँ जी नॉर्थ चाइना के मतलब चाइना के वेस्ट साइड तब आओगे तब आपको मिलेगा ये, बिल्कुल। तो थोड़ा सा याद रखना आपको, हालांकि इसकी बॉर्डर आप देखोगे तो उधर किर्गिस्तान और जो आपके जी हाँ तजिकिस्तान वाले रीजन से उनमें तो कनेक्ट होगी ही होगी, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड को याद रखना पामीर, ये जो हिंदू कुश माउंटेन है, किरथार सुलेमान ये सब आकर यहीं पर जो है कनेक्ट हो जाते हैं ये पामीर पर। ठीक है, सो दिस इज द पामीर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सुलेमान किरथार हिंदू कुश पामीर, इधर से ये अपना पूरा रीजन हो जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, आगे जैसे ही जाएंगे हम लोग तो इन्हीं क्षेत्रों में जब आप देखते हो मतलब हिंदू कुश सुलेमान किरथार इन सब क्षेत्रों में जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पूरा कनेक्शन पामीर के साथ आपको याद रखना होगा, और इतनी हाइट है कि इन्हीं क्षेत्रों से कुछ नदियां भी निकली हुई हैं। जी हाँ, अमूर दरिया और सिर दरिया देखो जरा, अमूर दरिया और सिर दरिया, अमूर दरिया और सिर दरिया करके,
अब इसको समझने के लिए पहले मैं बता देता हूँ कि आपको देखना कहाँ है ना। आधे टाइम तो नहीं तो चीज़ें कनेक्ट ही नहीं हो पाती कि चल क्या रहा है। तो ऐसे छात्र जिनको मैपिंग में थोड़ी सी इशू होता है वो पहले आप यहाँ पर फोकस कर लें। ध्यान दीजिएगा भैया जो मैं कह रहा हूँ, ये देखो ये इंडिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पढ़ रहे थे अब तक हम। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तक पहुँचना पड़ेगा। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में एक लेक होगा अरल सी करके, देखना आराम से आप, है ना। अरल सी में यहाँ से शुरू होकर नदियाँ गई हैं, तो ज़रा एक बार चेक करोगे आप यहाँ पर इस क्षेत्र में तो सिरदरिया अमुरदरिया करके जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नदियों को जब आप देखोगे तो कल को इनफैक्ट एक क्वेश्चन आ भी चुका है एग्ज़ाम में कि सिरदरिया अमुरदरिया रिवर रिलेट्स विथ, या सिरदरिया अमुरदरिया रिवर का जो कनेक्शन है वो कहाँ से है, किस तरह से है। तो आपने को पता होना चाहिए कि सिरदरिया अमुरदरिया जो है वो एट द एंड शुरू होकर कहाँ जा रही हैं, सिरदरिया अमुरदरिया, तो सिरदरिया अमुरदरिया जो है वो अरल सागर की तरफ बढ़ रही हैं। और दूसरी बात, अरल सागर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपसे कि अरल सी जो है कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो एटलीस्ट अपने को पता रहे कि दैट इज़ रिलेटेड विद, जी हाँ, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। सिरदरिया नॉर्थ में रहेगी, अमुरदरिया साउथ में रहेगी, ध्यान रखना। तो इसका माउथ माउथ ही आएगा ज़्यादातर, याद रखना, सिरदरिया नॉर्थ में, अमुरदरिया साउथ में, दोनों कनेक्ट जहाँ हो रही हैं दैट इज़ योर अरल सी। सो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर आपको याद हो गया होगा। तो सिरदरिया अमुरदरिया इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये पामीर नॉर्थ को नहीं भूलना है ना, ये मतलब हिंदू कुश मतलब काफ़ी हाइट वाला रीजन है, पामीर काफ़ी हाइट वाला रीजन है, काफ़ी कोल्ड रीजन्स हैं, ठंडा क्षेत्र है, स्नो कवर्ड एरिया है, थर्ड पोल भी कहा जाता है इसको, तीसरा ध्रुव। पहला नॉर्थ पोल साउथ पोल तो ही गया, उसके बाद थर्ड पोल आप इसको आप मान सकते हैं एग्जैक्टली। तो ये याद रखना, सिरदरिया अमुरदरिया अरल सागर की तरफ। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ तक तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आप सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, तो सिरदरिया अमुरदरिया के बाद में थोड़ा सा जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो आपके लिए ईरान आ जाएगा सर। ध्यान रहे ये क्लास माउंटेन के साथ रिवर की भी है। आप ईरान में पहुंच जाइए, ईरान में पहुंच जाइए जल्दी से। जी ईरान में जैसे ही आप पहुंचते हो तो ईरान में पहुंचने पर आपको कुछ माउंटेन्स याद रखने होते हैं, ईरान में पहुंचने पर कुछ माउंटेन्स याद रखने होते हैं, एंड दैट इज़ योर एल्बुर्ज माउंटेन, ज़ाग्रोस माउंटेन। जी हाँ, देखो ज़रा एक एल्बुर्ज करके दिखेगा, मैं बता देता हूँ दोबारा, एल्बुर्ज माउंटेन, दमावंद माउंटेन एंड ज़ाग्रोस माउंटेन, ये ईरान है, इराक नहीं है, गलती से भी गलत नहीं करना। सो कल को कोई मैच द कॉलम पूछ ले दमावंद, एल्ब्रोज और ज़ाग्रोस तीनों कहाँ हैं, तीनों ईरान में हैं, दमावंद, एल्ब्रोज, ज़ाग्रोस, ठीक है। थोड़ा सा रिविजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपका माइंड मैप कैसे बनेगा वो डायरेक्ट मैं यहीं पर बना देता हूँ। सबसे पहले तो इतना तो माइंड में रहेगा कि सर कुछ कंट्रीज़ आपने हमें बताई हैं, जैसे रशिया, तो रशिया दिमाग में सबसे पहले ऊपर जाता है, नॉर्थ में ऊपर जाता है हमें, ठीक है। रशिया में क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद करने को बोला था सर आपने, एक तो ओब बोला था, दूसरी रिवर आपने लीना रिवर बोला था याद करने को, ये बैकाल से शुरू होती है जो कि हमें एज इट इज़ याद हो गई। फिर आपने कहा था कि एक अमूर रिवर भी कर लो क्योंकि अमूर नीचे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करेगी, ठीक है वो भी कर ली सर। फिर आपने एक माउंटेन बोला था कि बर्ख्योयांस्क रेंज जो है वो कर लेना, तो बर्ख्योयांस्क रेंज भी हम लोगों ने साथ में माउंटेन में कर ली थी, ठीक है सर। फिर मैंने कहा थोड़ा इमेजिनेशन आप चाइना का करिए, चाइना में कोई दिक्कत नहीं, आप इमेजिनेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाइना के रीजन में जैसे ही आप आए तो चाइना के रीजन में आपको मैंने कहा कि तियन शान, कुनलुन शान, तो ये शान नाम के माउंटेन्स आप चाइना के याद कर लोगे। इसकी कुछ दो नदियाँ भी मैंने कही आपको कि एक वांग हो और एक यांगत्से नाम की रिवर आपको याद करनी है, वो आपने पढ़ी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि चाइना, ठीक है। उसके बाद में म्यांमार बोला कि म्यांमार, तो म्यांमार से पहले आपको प्यारा भारत याद आया, आपने जैसे इंडिया समझा तो आपको समझ में आया कि अच्छा म्यांमार इधर कहीं नीचे है। म्यांमार में आपने सबसे पहले तो दो नदियां पढ़ लो, आप दो नदियों में एक इरावडी याद रखने को कहा मैंने आपसे और एक सालवीन,
सालवीन जो कि लॉन्गेस्ट थी, इरावडी जो कि लाइफलाइन थी, ठीक है, और हिमालय का एक्सटेंशन था, मतलब यहाँ पर जो माउंटेन होंगे वो कौन से होंगे, तो यहाँ पर माउंटेन होंगे पेगु योमा और अराकन योमा। योमा योमा नाम के पर्वत जो थे वो म्यांमार में थे, ठीक है। शान नाम का प्लेट्यू भी था, बट शान नाम के माउंटेन चाइना में। थाईलैंड में एक रिवर याद आई होगी, साओ फ्राया, एग्जैक्टली। उसके बाद में मेकोंग रिवर आपने पढ़ी, यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट थी साउथ ईस्ट एशिया। एशिया की लॉन्गेस्ट तो हमारी यांगसे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। थोड़ा आगे गए आप इंडिया की तरफ, जैसे ही आए हो तो इंडिया में आपको सर ने पामीर पढ़ा दिया। पामीर पढ़ते से याद आया कि भैया यहाँ तो हिंदू कुश कनेक्ट होते हैं, यहाँ से जो है सुलेमान किरथार रेंजेस आती हैं, हिमालय, दो नदियाँ शुरू होती हैं, ऊपर सर होता है इसलिए सिर दरिया, फिर अमूर दरिया। जा कहाँ रही हैं ये अरल सी में जा रही हैं सर। एग्जैक्टली, अरल सी क्या है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर, ठीक, डन, उसके बीच में एक है। तो इस तरह से आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, मेरे को खुद का दिमाग में ये सब बिठानी पड़ेंगी चीज़ें, एक बार में नहीं होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही जो है अभी आपको मैंने रिसेंटली एल्बोर्स बताया और जैगरोस बताया और दमाबंद बताया, कि ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, तो दैट इज़ योर ईरान। तो जैसे आप इनको याद करोगे तो क्लियरली आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा टेस्ट भी कर लो भैया। लो, थाईलैंड में क्या पढ़ा था आपने, म्यांमार में क्या क्या पढ़ा, पामीर से संबंधित क्या पढ़ा, अरल सी से संबंधित में क्या पढ़ा, लैप्तेओ सी से संबंधित में क्या पढ़ा, चेक कर लो जरा, कुछ समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन। ईरान में क्या पढ़ा, क्योंकि जब तक बार बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे अपने दिमाग से वो हमेशा ऐसे धोखा देगा, इसलिए। गुड, शाबाश। तो ईरान में सर हमने अभी, आप लोगों ने अभी हमें पढ़ा है जैगरोस, एल्बोर्स, दमावन, ठीक है। थाईलैंड जो है साओ फ्राया नाम से आप रिवर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। म्यांमार में आप आओगे तो सर शान प्लेट्यू पढ़ा है, प्लेट्यू न कि माउंटेन। इरावडी सालवीन रिवर पढ़ी है, अराकन योमा पेगु योमा आपने माउंटेन पढ़े हैं। पामीर में सर सब माउंटेन्स का कनेक्शन, सिरदरिया अमूरदरिया नदी पढ़ी है। अरल सागर में सिरदरिया अमूरदरिया जाती है नदियाँ। लैप्तेओ सी में लीना रिवर जाती है, लीना जो कि रशिया में पड़ी थी। आप कोशिश करो, याद आ जाएगा कुछ ना कुछ तो। जी हाँ, ठीक है। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि कमेंट करो, आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि करिए अभी करिए कमेंट, ना ना, आपको चीजें याद हो जाए इसलिए इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो क्या है उसमें आगे हम बढ़ जाएंगे, उसमें फिर पढ़ना होगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपने। एग्जैक्टली, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ तक अपने को अब समझ में आ गई है कि करना क्या है इसमें, किस तरह से कनेक्शन रहेगा। चलो भैया, ये तो हो गया सर सब कुछ क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। प्लेट्यू और उसमें कन्फ्यूज़ तो नहीं होना शान नाम में। चलो, ईरान में भी पहुंच गए थे आप। ईरान में दो मैंने आपको एल्बुर्ज माउंटेन और जैगरोस माउंटेन बता दिया था। गुड, अब देखो फारस की खाड़ी सुना होगा आपने या पर्शियन गल्फ। इराक, काम कर देना, पहले हम लोग माउंटेन पढ़ लेते हैं ताकि फिर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले अपन चलते हैं अब टर्की में सर, ठीक है। टर्की में आ जाओ आप लोग, टर्की कहाँ होगा, इधर कैस्पियन सी ढूंढो अपने मैप में ऊपर, अरल सी जो था ना सिरदरिया अमूरदरिया, उससे आगे आना वेस्ट की तरफ कैस्पियन, फिर और वेस्ट में आना
तो ये आपको एक पूरा रीजन वाला पूरा हिस्सा मिलेगा इधर एकदम टर्की। टर्की में ये हो रहा है कि एक माउंटेन है टॉरस माउंटेन, टॉरस माउंटेन करके देखना, टॉरस पॉन्टिक करके लिखा हुआ, टॉरस और पॉन्टिक करके, टॉरस टॉरस, जी हाँ टॉरस है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। सो आप लोगों ने जो है ध्यान दिया होगा यहाँ पर। जी सर, तो टॉरस में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अभी काम आएगा आप लोग। टॉरस वाले क्षेत्र से ना थोड़ी दूर से जब आप देखोगे तो टी फॉर टॉरस, टी फॉर टर्की, तो ठीक है क्लियर हो गया। इससे थोड़ा दूर से और आओगे आप तो इन्हीं माउंटेन वाले रीजन से ही, टर्की वाले रीजन से ही, और थोड़ा सा और आप आगे आओगे तो इधर पॉन्टिक वगैरह माउंटेन्स हैं। यहाँ से ना बड़ी दो इम्पोर्टेंट सर इम्पोर्टेंट नदियाँ आ रही होती हैं, ध्यान से देखो भैया ध्यान से, टिग्रेस और यूफ्रेट्स। ठीक है, टिग्रेस और यूफ्रेट्स जी। तो टिग्रेस और यूफ्रेट जो है वो आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो टिग्रेस यूफ्रेट में जैसे ही आप जाओगे तो दैट इज रिलेटेड विथ पर्शियन गल्फ। ठीक है जी हाँ, तो टॉरस से आप जैसे ही आओगे तो टिग्रेस और यूफ्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी एंड दैट इज रिलेटेड विथ पर्शियन गल्फ। तो अब ईरान तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि ईरान में आप माउंटेन पढ़ चुके हो। ठीक है, और इधर जैसे ही आप आओगे तो नो डाउट टिग्रिस यूफ्रेट में जैसे पहुंचोगे आप तो टिग्रिस यूफ्रेट, अब ईरान की जगह आपको इराक में आना पड़ेगा सर, दिस इज इन इराक। ठीक है, तो कल को कोई क्वेश्चन पूछ लेना तो इराक की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर कोई आपसे पूछे तो याद रखना टिग्रिस और यूफ्रेट, मतलब मेजर डोमिनेटेड फ्लो इन दोनों नदियों का टिग्रिस यूफ्रेट का इराक में। तो इराक की नदियाँ हैं सर बहुत ज़्यादा काम की, आती तो ये पूरी सीरिया होते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इधर फारस की खाड़ी में जो है आकर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत याद रखना, भूलना मत, इम्पॉर्टेंट है ये जी सर। तो ये अपने को स्टोरी यहाँ तक तो समझ में आ गई, ये हो गए टिग्रिस और ये हो गए यूफ्रेट। ठीक है बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, टिग्रिस और यूफ्रेट की कहानी जो है कहाँ से। अब अपन एक काम करते हैं, फिर से दोबारा जो है माइंड मैप बनाते हैं और एक बार कोशिश करते हैं कि चीज़ें कितनी याद हो रही हैं, है ना। मैप थोड़ा बड़ा रहेगा इस बार का। सबसे पहले रशिया की बात कर लें यदि हम लोग, माइंड मैप है ये जो नॉर्मली आप समझ सकते हैं सर। आपने एक ओब रिवर बताई थी, एक आपने लीना रिवर बताई, एक आपने अमूर रिवर बताई जो नीचे चाइना से कनेक्ट रहेगी, और यहाँ पे आपने माउंटेन बताया बर्खोयांस्क। ठीक है वेरी गुड, इसके बाद आप चाइना में आ गए। चाइना में क्या क्या याद रखना है आपको, शान नाम के प्लेट्यूज, सॉरी शान नाम के माउंटेन्स, माउंटेन शान नाम के, तियन शान, कुल्लुन शान, अल्तुन शान। ठीक है, शान नाम के माउंटेन हो गए। नदियों में एक आपकी कौन सी रिवर थी यहाँ पर बताओ जरा, एग्जैक्टली दैट इज योर, हाँ येलो रिवर गोबी डेजर्ट के कारण, याद करो जल्दी से, हो ये तो येलो है, हो वांग हो ये तो येलो है ऐसे। ओके, वांग हो के बाद में नेक्स्ट वन आप जैसे आगे जाओगे तो यांगसे मिलेगी, यांगसे रिवर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे भैया मान लो अगला बॉक्स म्यांमार का बना लिया, तो म्यांमार में एक रिवर आपको याद रखनी होगी कौन सी, आप लोगों ने जो है एक याद रख ली होगी पहली चीज़ कौन सी, एक तो इरावडी, एक सालवीन, और यहाँ पे दो माउंटेन थे कौन से जल्दी बताओ, पेगू योमा, अराकन योमा, शान प्लेटू के साथ। फिर आप अगले सेक्टर में आ गए साओ फ्राया पढ़ने, फिर आपको थाईलैंड में जाना पड़ेगा और साओ फ्राया,
फिर आप इन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आ गए और आपने फिर पढ़ ली मेकोंग रिवर। देन ये आ गए आप इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ आओगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा आपका होगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पामीज। तो इधर से दो तो पाकिस्तान की आ गई आपकी, कौन सी? जी हाँ, सुलेमान और किरथार। ठीक, इधर हिंदू कुश आ गया। यहाँ से दो नदियां बना लिया आप, एक सिर दरिया और एक अमूर दरिया, अरल सागर में भेज दी। अरल में ऊपर आप देखोगे तो कजाकिस्तान है और नीचे देखोगे तो उज्बेकिस्तान है। ईरान, ईरान, ईरान में जागरूस, एल्बर्स, दमाबंद। फिर टर्की में आओगे तो आपको टॉरस पॉन्टिंग से शुरू होते टिग्रिस यूफ्रेट, टिग्रिस और यूफ्रेट दो नदियाँ, टिग्रिस यूफ्रेट। ये तो एक माइंड मैप है जो आप बना सकते हैं, नहीं तो बाकी तो फिर आप मैप में डायरेक्ट रिवाइज करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं खुद बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो आप, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मैप में भी लग जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। इधर दो नदियाँ इधर पढ़ाई हैं मैंने, एक इधर पढ़ाई है एक इधर पढ़ाई है। ओबलीना, अमूर क्लियर हो जाएगी, ये इधर अमूर है मान लो। वांगो, यांगसे, ये इधर नीचे आओगे तो मेकोंग, साउथ राया, म्यांमार की दोनों रिवर, ये पामीर वाला रीजन, सिर दरिया अमूर दरिया इधर हो जाएगा। ईरान यहाँ आ गया आपको, एल्ब्रुज एग्रोज। इराक में इधर टिग्रिस यूफ्रेट। तो अब आपको मालूम है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपने को मिलने वाली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा जब आप मैप में प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आपको बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप आंसर दीजिएगा मुझे। रशिया की दो नदियों के नाम बताने, इराक की दो नदियों के नाम बताने, थाईलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर का नाम बताना है, साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताना है, और अरल सी से संबंधित जो नदी है उसका नाम बताना है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्लास डेली बेसिस पे है और आप मेरी पूरी क्लासेस एन अकेडमी पर भी जाकर ले सकते हैं। प्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ कोड SUDYT10। इस कोड के इस्तेमाल से आप मेरे पूरी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे और लाइव क्लासेस को भी। अब मुझे नहीं लग रहा कोई इशू होगा इसमें, समझ गया ये पक्का? तो ये तो हो गया रिवर का पोर्शन अपना। लो मैं एक बार और बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओबलीना, इराक में टिग्रिस यूफ्रेट, थाईलैंड में साउथ राया, मेकोंग और अरल सी में जा रही है सिर दरिया अमूर दरिया। रह कौन सी रही है? तो म्यांमार की रह गई, एक इरावडी सालवी, चाइना की वांग हो यांग से रह गई, और एक वो अमूर रह गई वहाँ की। इस तरह की कुछ नदियाँ जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, गुड। ये तो कहानी थी अपनी एशिया की माउंटेन्स और रिवर वाली। अपन ज़रा रिवर और माउंटेन काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पढ़ लेते हैं ताकि माउंटेन और जो पेंडिंग वाला जो पैटर्न है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, रिवर वाला भी। जी सर, तो हो सके तो आप ऑस्ट्रेलिया ओपन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ओपन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन कर लीजिएगा भैया। बिल्कुल,
सब क्लास सबके लिए यूजफुल है भैया, ज्योग्राफी जहाँ जहाँ आएगा सब मिलेगा आप। हाँ जी तो ये हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम लोग यदि जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट बड़े इम्पोर्टेंट शहर हैं। जी हाँ, सुना होगा आपने पर्थ के मामले में, पर्थ के बारे में, ठीक है। एग्जैक्टली। और इधर जब आप आओगे तो इधर न्यू साउथ वेल्स वगैरह काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, मतलब सुना होगा नाम। जी इसमें क्या है, ध्यान से सुनना क्या क्या मैं इंपॉर्टेंट प्लेस मार्क कर रहा हूँ। जैसे पर्थ, पर्थ ध्यान रखना, ठीक है। पर्थ के बाद में आपको नॉर्मली सिडनी वगैरह पता होता है, कैनबेरा पता होता है, मेलबर्न नाम का जो शहर है। तो पर्थ में एक क्वेश्चन याद रखना, पर्थ के नज़दीक के बारे में, मतलब नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है कि पर्थ जो शहर है वहाँ एटलस में शायद ना मिले, तो लिख लेना आप वहीं एटलस में कि पर्थ जो शहर है वो किस नदी के किनारे है। तो दैट रिवर इज स्वान रिवर, ठीक है। एटलस में जैसे ही आप जाओगे तो एटलस में आपको ओशनिया इंडेक्स में ओशनिया सर्च करना पड़ेगा, ओशनिया में जाके आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो पर्थ जो है याद रखना, भूलना मत, महत्वपूर्ण होने वाला है। पर्थ के आसपास की कोई रिवर आपसे पूछे तो दैट इज स्वान रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ माउंटेन जो है ध्यान दीजिएगा, इंडिया का जब भी आप मैप देखते हो तो इंडिया अपने को कुछ ऐसा दिखाई देता है साउथ से, मतलब ये ऐसा ट्राइंगुलर शेप, इस तरह का शेप जो तीन ओर से वाटर से लगा होता है, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। सेम देखो ऐसे ही मैंने बनाया हुआ, ये देखो ऑस्ट्रेलिया में देखोगे ना तो दिखेगा आपको, जैसे इंडिया को जैसे अपोजिट कर दिया हो, है ना। तो ये भी पेनिनसुला है, तीन ओर से वाटर बॉडी से लगा है, एक तरफ कोरल सी लगा है, एक तरफ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया लगा है, ऊपर पैसिफिक की तरफ जाओगे। तो कहने का मतलब सिंपल है कि कल को नॉर्मली कोई पूछ ले कि केप यॉर्क पेनिनसुला, जैसे इंडियन पेनिनसुला कैसे है, तो केप यॉर्क पेनिनसुला किसका है, तो एटलीस्ट हम इतना तो बता पाएंगे कि सर दिस इज़ रिलेटेड विद ऑस्ट्रेलिया। क्यों पढ़ा रहे हो सर ये केप यॉर्क पेनिनसुला, बता रहा हूँ। इस पेनिनसुला से एक पर्वत श्रेणी की शुरुआत होती है, दैट नेम जो होगा उसका वो होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पूरी नीचे तक केप योर पेनिनसुला, पूरा नीचे ऑस्ट्रेलिया नीचे तक आपको देखने को मिलेगा। तो केप योर पेनिनसुला से शुरू होके रनिंग थ्रू द ये तस्मानिया आप देखोगे, यहाँ तक आपको देखने। सो बिल्कुल, सो दिस इज रिलेटेड विद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बिल्कुल। तो नाम क्यों रखा इसका, वैसे तो क्या है जो आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वेयर इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब डिवाइडिंग वर्ड यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया है, मतलब विभाजक है, एक्चुअल में डिवाइड हो रही है कोई चीज़, वाटर वे जो है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब कैसे पूरा रिवर सिस्टम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। एक पूरा ऐसे इधर रिवर आ रही है टूवर्ड्स वेस्ट, तो और कुछ नदियाँ ऐसे ईस्ट की तरफ जा रही हैं। सो एक पूरे ड्रेनेज को ये डिवाइड करता है, इसलिए इसका नाम डिवाइडिंग रेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां बहुत फेमस, जो अपने आप में जैसे कली तो हमने वहां पर यूएसए में पढ़ी थी ना, मिसौरी मिसिसिपी, अपने आप में मिसौरी मिसिसिपी करके पढ़ रहे थे, वैसे ही जो है आप यहाँ देख सकते हो मरे डार्लिंग करके दो नदियां हैं, मरे डार्लिंग। जी हाँ, सो मरे डार्लिंग की तरफ हम लोग जब देखेंगे तो याद रखना कि दैट इज रिलेटेड विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी फेमस नदियां जैसे कुछ हैं जो, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे सिर दरिया आमो दरिया कॉम्बिनेशन, मिसौरी मिसिसिपी कॉम्बिनेशन, टिग्रिस यूफ्रेट कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन वाली नदियों को याद रखें हमेशा। सो टिग्रिस यूफ्रेट इराक में चली जाएंगी, अमूर दरिया सिर दरिया अरल सी में चली जाएंगी, वैसे मरे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया की हो गई, वैसे मिसौरी मिसिसिपी पूछे तो वो याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। सो हाँ, वो बर्ड फूड डेल्टा जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल है कि ये जैसे ही आप फोकस करेंगे, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ये पूरी कहानी पूरी स्टोरी, तो इनको जरा अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा है। ओके ठीक है, ओके जी सर। तो मरे डार्लिंग को थोड़ा सा याद रखने के बाद, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को याद रखने के बाद, एक माउंटेन है सर जो कि महत्वपूर्ण है अपने आप में, एंड दैट इज याद रखेगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा, कोसी उसको करके याद रखना। जी हाँ, क्यों कोसी उसको की हाइट चेक कर लो आप पहले, तो
पहले वो लोग देख लो कि जहां देखना कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर कॉर्नर में आना है नीचे। जी हाँ, कोस्टी उसको देख लो और उसकी हाइट देख लो, और उससे ऊंचा कोई पर्वत मिले तो वो भी देख लो। एग्जैक्टली। सो जब आप देखेंगे तो कोस्टी उसको से जो है नो डाउट अपने आप में हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा। सो ये हो गया सर ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत रहेगा ये अपने आप में कोशिश। उसको एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा आपको, नाम इसका आपको बार बार लिखना होगा सर, तब जाकर वो कोशिश उसको याद होगा। ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया जैसे ही मैं बनाता हूँ तो तुरंत मुझे पता लगता है कि सर दिस इज केप यॉर्क पेनिनसुला। इससे जो पर्वत श्रेणी गई है दैट इज जीडीआर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मरे डार्लिंग रिवर। एग्जैक्टली। और ये आगे जाके कंबाइन होके उधर एनकाउंटर बे या स्पेंसर्स बे में जाके एंड हो जाती है, कंगारू आइलैंड के पास। और इधर आओगे तो पर्थ के पास मैंने एक रिवर बताई है, दैट इज योर स्वान रिवर। हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया है कोसी उसको, नॉट कंफ्यूज विद अकॉनकागुआ। अकॉनकागुआ कहाँ था? अकॉनकागुआ जो है वो कहाँ जाएगा? हाँ भैया, आंसर अकॉनकागुआ जो है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अकॉनकागुआ को आप पहचान गए कि अकॉनकागुआ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया साउथ अमेरिका का अकॉनकागुआ। और कंफ्यूज मत होना कोशी उसको के लिए यहाँ। ठीक है, नाम ही उनके ऐसे है ना, एक कोशी उसको एक अकॉनकागुआ। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा अकॉनकागुआ के लिए, और ये जो हुआ कोशी उसको। ठीक है, तो यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैकडोनल्ड रेंज। जी, तो याद रखना भूलना मत, ये हो गया अपना मैकडोनल्ड रेंज। सो मैकडोनल्ड रेंज जो मिलेगा ये अपने को ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलने वाला है। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा मैकडोनल्ड रेंज। सो दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, तो ये ऑस्ट्रेलिया को याद रखना होगा अपने को यहाँ पर, ये इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर मिलती है। सो इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से लगाकर केप यॉर्क पेनिनसुला और बास स्ट्रेट और ये और इधर ये सब। ठीक है, डन, भूलोगे तो नहीं? एग्जैक्टली। चलिए, तो इतने दिनों से हमने रिवर की क्लास शुरू करी थी, पहले 2 दिन रिवर पढ़े, आखिरी में एशिया ऑस्ट्रेलिया की रिवर नहीं हो पा रही थी तो हम लोगों ने भी माउंटेन के साथ कर रहे थे हम लोग। ठीक है, इसके साथ एक भाई बैठा हुआ है इधर, हमेशा याद रखना वर्ल्ड मैप में जब आप जाते हो तो आपको न्यूजीलैंड भी दिखाई देता है। सुना होगा आपने न्यूजीलैंड के बारे में। जी हाँ, तो न्यूजीलैंड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, एक दो नदियाँ जो है अपने को न्यूजीलैंड के बारे में भी इम्पोर्टेंट है सर, काफ़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो ये देखो, ये बैठा हुआ है इधर, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलो, तो ये न्यूजीलैंड दिखाई दिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ आइलैंड दिखाई दे रहा है और एक साउथ आइलैंड दिखाई दे रहा है। देख लो आराम से, ज़रा चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। जी हाँ, तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड करके आप देख पा रहे हैं। अब नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में जैसे आप देखोगे तो ठीक है, क्लियर हुआ इतना तो। इसको मैं यहां बता देता हूँ, ये हो गया नॉर्थ आइलैंड और ये हो गया अपना साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड। तो यहां ना सर आपको 2 नदियां याद रखनी है, एक तो वाइकाटो रिवर, ये मिलेगा नहीं वहां पे ना आपको, नॉर्मली आप फैक्ट बेस्ड लिख सकते हैं। ठीक है, सो वाइकाटो रिवर को याद रखना, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड, वाइकाटो।
याद रखना। जी हाँ भैया, अभी तो डेली हो रही है, 4:30 बजे आप डेली आ सकते हैं। सो वाइकाटो रिवर को याद रखना, दिस इज रिलेटेड विद न्यूजीलैंड। और इससे ज़्यादा एक रिवर हो आपने सुना होगा वांगनुई करके, वांगनुई, WHAN, है ना, वांगनुई। ये वांगनुई रिवर क्यों पड़ी जाती है मतलब? सो वांगनुई रिवर जो है, आप मान के चलिए कि आपने सुना होगा कि अक्सर इंडिया में गंगा नदी, है ना, नर्मदा नदी, इन रिवर्स को पोल्यूशन के कारण जो है काफ़ी कुछ न्यूज़ में देखा गया है, और फिर बाद में डिसाइड किया गया कि भारत सरकार ने इनको एक लिविंग एंटिटी का रूप दे दिया है, मतलब एक जीवित संरचना का रूप दे दिया है, जिसमें अब यदि इसको कोई प्रदूषित करता है तो प्रॉपरली लीगली जिन पे एक्शन लिया जा सकता है। तो एक लिविंग एंटिटी दे दी उसका, तो नो डाउट कंजर्वेशन के लिए एक एफर्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ ऐसी इंडिया में पहली बार नहीं आई है, मतलब है ना, दुनिया में सबसे पहले वांगनू ही वो नदी थी, न्यूजीलैंड की वांगनू ही रिवर ही वो थी जिसको फर्स्ट लिविंग एंटिटी बोला गया था, मतलब प्रदूषण के कारण उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए उसको एक लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया। दुनिया की सबसे पहली रिवर जो थी वो थी आपकी वांगनुई रिवर, ठीक है। तो WHANGANUI करके जो आपको मिलेगी वांगनुई रिवर को याद रखना है। नॉर्थ आइलैंड में मिलेगी न्यूजीलैंड के, इंपॉर्टेंट है कभी क्वेश्चन पूछे नॉर्मली अवेयरनेस, तो याद रखना कि ये सबसे पहली चीज़ें जो आई हैं रिवर को एक तरह से रेजुमिनेट करने के लिए, या आप बोल सकते हो कि साफ सफाई रखने के लिए, थोड़ा सा प्रदूषण कम करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट न्यूजीलैंड से आया है, ठीक है। वांगनुई वो पहली नदी, और बाकी नॉर्मली जो बड़ी लंबी नदी है दैट इज योर, तो ये याद रख सकते हैं आप वाइकाटो के अलावा। और लास्ट एक रिवर पढ़ लो, अंटार्कटिका की एक रिवर है जिसका नाम है ओनिक्स, ONYX, कोई पूछे तो याद रखना अंटार्कटिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि फ्रीज रहती है, जमी हुई रहती है, ठंड बहुत है यहाँ पर, ठीक है जी। सर आज शाम को 7 बजे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना नए छात्र हो तो, और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, जी हाँ, 7 बजे सर्च कर लेना मेरा नाम, क्लास मिल जाएगी आपको, SUDARSHN, सुदर्शन गुर्जर से आप सर्च करोगे, क्लास मिल जाएगी शाम को 7 बजे, अपनी एक स्पेशल क्लास है जी हाँ। कोड पूछे इनवाइट कोड, तो यू कैन यूज़ दिस कोड SUDYT10, इस कोड के इस्तेमाल करने से आपको पूरे कोर्सेस जितने भी फ्री वाले हैं वो सब एक्सेस कर लोगे आप। अनएकेडमी कॉम्बैट, ये आपको बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा टेस्ट का जी हाँ, मतलब इसके प्राइस मैकबुक एयर तक है, मतलब आप समझ लीजिए कि एक टेस्ट का बहुत अच्छा लेवल भी रहेगा, मज़ा आएगा, बिल्कुल बेस्ट माइंड से आप एकदम कॉम्पीट करने वाले हो। टेस्ट वाले सेक्शन में जाना और वहाँ पर SUDYT10 पे जाना जी हाँ, इनवाइट कोड के दौरान इसको एनरोल कर लेना। और डेट जो होगी कॉम्बैट की, वो डेट होने वाली है सुबह 11 बजे 6 दिसंबर को, क्लियर। कल शाम को 4:30 बजे मैं मिलूँगा, 7 बजे स्पेशल क्लास में आज मिल जाऊँगा मैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन अनएकेडमी का जब भी आप लेते हैं, जी हाँ, अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन देता है आपको लाइव क्लास का अनुभव, एकदम लाइव क्लास, जी हाँ, लाइव इंटरेक्शन, कंप्लीट सिलेबस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, लाइव डाउट क्लियरिंग सेक्शन, और पूरा आपका लाइव इंटरेक्शन पूरा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है इसमें अनअकैडमी का, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है, और पर्सनल कोच के साथ साथ जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते समय आप जो है SUDYT10 का इस्तेमाल करो, ये कोड आपको हर जगह काम आ जाएगा जी हाँ, तो इससे आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सेस आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, अब हम कल आगे बाकी के कॉन्टिनेंट्स के पर्वतों पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी हाँ। सात बजे मिल रहे हैं जी हाँ, सब लोग आ जाना, आई थिंक क्लाउड्स की क्लास है, मैं शेयर कर दूंगा और लिंक एक बार और, ठीक है।